देखिए मेरे पास आज ये ओनिडा कंपनी का पीसीबी है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारा ऐप 6 का एरर आ रहा है। देखिए इसको ऑन कर दी, इसमें हमारा ऐप 6 का जो एरर है वो आ रहा है और इसका ग्लोबल नहीं चल रहा है। तो देखिए मैं इसमें आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ कि जब ये मेरे पास कस्टमर लेकर आया था तो मैंने इसको ऑन किया था तो ये पीसीबी मेरा ऑन हो गया था और ऑन होने के 5-10 सेकंड चला होगा, ये आधा मिनट। उसके बाद इसमें F7 का एरर आया था, लेकिन अभी इसको डायरेक्ट बंद करके चालू करने पर हमारे इसमें डायरेक्ट एरर आ रहा है। और इसमें देखिए मैं आपको पीसी में आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं इसको बंद करूँ। और ये पीसी भी पहले किसी ने रिपेयर किया हुआ है, इसकी मोटर ये हमारा पीसी का मोटर है। और कस्टमर देखिए इसमें जैसा जिस तरीके का एरर आया थोड़ी टाइम बाद, कस्टमर ने सोचा इसमें मोटर ख़राब है, उसने नया मोटर भी मंगाया था और मोटर भी चेंज कर दिया था। तो एक थोड़े टाइम चला उसके बाद फिर दोबारा वही एरर आने लगा। और यहाँ पे देखिए ये जो पीसीबी है किसी ने रिपेयर करने की कोशिश की है, इसका जो मेमोरी आईसी है ठीक है इसको भी किसी ने चेंज किया है। और एक दो सामान और है, देखिए यहाँ भी सोल्डरिंग मारा हुआ है इसने एक दो जगह। और इसका जो सेंसर है वो देखिए ये सेंसर चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम सेंसर को ही चेक कर लेते हैं। इसमें जो सेंसर रहता है ओनिडा वीडियोकॉन एसी में वो हमारा 4 किलो ओम के आसपास होता है। मीटर को मैं किलो पर लगा दूँ तो देखिए जो सेंसर है वो मेरा ठीक आ रहा है, 4K के आसपास आना चाहिए नॉर्मल जो इसका रेजिस्टेंस है नॉर्मल मोड में ठीक है। तो यार आ रहा है ये सेंसर मेरा ठीक है। और F7 जो एरर रहता है मैं आपको बता दूँ, इसमें जो प्रॉब्लम बन रही है कि मोटर थोड़ी टाइम चलती है उसके बाद F7 आ रहा है और अभी ये डायरेक्टली आपका F7 आ रहा है। तो इसमें इस तरीके का जो फॉल्ट रहता है तो इसको लोग मोटर का एरर मान रहे हैं। तो ये मोटर का एरर नहीं है F7, ये जो F7 एरर रहता है हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर के लिए ही रहता है। तो अभी हम इसमें चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। मोटर को कनेक्ट कर लिया मैंने ठीक है, यहाँ पे ऑन किया, देखिए डायरेक्ट मेरा F7 एरर आ रहा है। तो इसके लिए हम पीसीबी में सप्लाई को चेक करेंगे पहले। अभी देखिए 5 वोल्ट 12 वोल्ट मेरा बन रहा है, 5 वोल्ट 12 वोल्ट नहीं बनना होता तो पीसीबी में एरर नहीं आता। और F7 दिखा रहा है मतलब पीसीबी खुद बता रहा है कि इसमें रूम सेंसर की प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रूम सेंसर है हमारा यहाँ पर ये, इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं मीटर रख लेता हूँ, ठीक है मीटर को मैं DC वोल्टेज की रेंज में लगाता हूँ। और तो यहाँ पर देखिए हमारे 0.08 वोल्टेज आ रहे हैं रूम सेंसर, रूम टेम्परेचर सेंसर पर। तो ये जो वोल्टेज हमारे सही नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर हमारा कुछ वोल्टेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर से भी चेक करता हूँ, तो जब भी हमारे 0.8 वोल्टेज बता रहा है ठीक है रूम टेम्परेचर सेंसर पे। और फॉल सेंसर पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, देखिए F7 मेरा एरर अभी बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 3.2 के आसपास बता रहा है, ये वोल्टेज मेरे सही है। तो और इस तरीके से देखो सेंसर का आपको वोल्टेज एक बार और इस तरीके से आपको चेंज कर चेक करना है। तो आप इसको निकाल लीजिए जैक को, जैक निकालने के बाद आपको यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए ठीक है, 5 वोल्ट मेरा आ रहा है। सेंसर लगाने के बाद ये जो वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाएगा ठीक है। अभी ऐसे ही इसको चेक करूँगा, जैक निकालने के बाद मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँगा, देखिए 1 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर जबकि 5 वोल्ट आना चाहिए हमारा। और सेंसर लगाने के बाद जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.8 हो रहा है ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा रूम सेंसर जो है उसको हमारा सप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने जो फॉल्ट पकड़ने की कोशिश की है वो फॉल्ट नहीं पकड़ पाया, वो दूसरे मेमोरी आईसी वगैरह चेक कर रहे हैं जबकि इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है मेमोरी आईसी से। तो यहाँ पर सिंपल हम चेक करेंगे, यहाँ पर 0.8 वोल्ट आ रहा है। तो मैं इसको ग्राउंड लूँगा, ये ग्राउंड लेने के बाद मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँगा, अभी आपको मीटर दिख रहा है ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ये 0.8 वोल्टेज मेरा यहाँ पर आ रहा है। इस ट्रैक को यदि मैं ट्रेस करूँगा तो यहाँ पर आएगा रेजिस्टेंस पर, जो पिन हमारा ग्राउंड है, सॉरी यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये ट्रैक है, ये हमारा ग्राउंड है, एक रेजिस्टेंस ग्राउंड से लगा हुआ है और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 5 वोल्ट से लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस है हमारा 5 वोल्ट से लगा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस मेरा ख़राब है। देखिए किसी ने सोल्डरिंग भी किया है यहाँ पर लेकिन वो फॉल्ट को नहीं समझ पाया। ये तो मेरा ग्राउंड ही है, यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए 5 वोल्ट से ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए रेजिस्टेंस को निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं।